नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान इकबाल बशीर। आज हम हैं निशात पॉइंट पर, हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे कि आपको कश्मीर आके कैसा लगा और कश्मीर का भाईचारा कैसा लगा। आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। मेरा नाम प्रीति मिश्रा है। कहाँ से हो आप? मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़। कैसा लगा आपको कश्मीर आके? बहुत 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 अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मतलब बिहार रह के बहुत अच्छा लग रहा है और घूमने की जगह भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि हम लोग गए थे डल लेक वगैरह देखे तो बहुत अच्छा लगा है। फिलहाल कश्मीर का जो भाईचारा है वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, यहाँ के सभी लोगों का नेचर बहुत हेल्पिंग नेचर है, जिससे जो पूछो वो सब चीज़ अच्छे से बताते हैं और नहीं भी पूछो तो भी पूछते क्या कुछ हेल्प चाहिए क्या, जैसा भी है उन लोगों को लगता है तो बताते हैं। जो आपके बाहर के लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? हाँ, बहुत अच्छी जगह है और अगर कोई डाउट है यहाँ आने में तो कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग का नेचर बहुत अच्छा है, सब हेल्प करते हैं, हेल्पफुल नेचर है और घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। कश्मीर के लिए कोई वर्ड हो जाए? हाँ, कश्मीर के लिए कोई वर्ड हो जाए? हेवन है और क्या। किसकी जगह आप गए कश्मीर में? हम लोग गए थे दूध पथरी, गए थे और आपका गुलमर्ग गए थे और ये गार्डन वगैरह। फेवरेट जगह आपको कौन सी लगी कश्मीर में? मुझे तो दूध पथरी सबसे अच्छा लगा। दूध पथरी, हाँ। थैंक यू। बताइए सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर मिश्रा। कहाँ से हो? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। कैसा लगा आपको कश्मीर? बहुत अच्छी जगह है, जैसा हमने सुना हुआ था, हम पहली बार आए हैं कि धरती का स्वर्ग है, एक्चुअल में स्वर्ग है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। कश्मीर का जो भाईचारा है वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छे लोग हैं, हेल्पफुल हैं। हम जिस दिन आए थे उस दिन भी हम रात को पहुँचे थे, तो हम खुद डर रहे थे कि इतनी रात को आए कहाँ जाएंगे कैसे करेंगे, बट हमारे साथ एक लोकल जो थे यहाँ के वो आए थे, उन्होंने ये तक कहा कि अगर आपको होटल नहीं मिलेगा तो आप हमारे घर जाके रुकिए। जो आपको देखने वाले हैं बाहर के लोग, उनके लिए कोई मैसेज? मैं मैसेज तो उनके यही दूंगा कि ज़रूर एक बार विजिट करें, बहुत ही अच्छी जगह है, इससे अच्छी जगह दुनिया में नहीं है, ये तो बात है। बांग्ला आमी तो माय भालोबाशी चिरदिन তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। মেরা নাম সলেমান। আপ কশ্মীর আয়ে হো, কেসা লাগা কশ্মীর? বহুত আচ্ছা লাগা, বহুত আচ্ছা লাগা। दो तीन चार जगह घूम लिया, बहुत अच्छा लगा। गुलमार्ग, दूध पत्ती, बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ जगह आप गए? ये दो तीन जगह है, अरे नया दिल्ली भी गया, उधर भी जाना, कलकत्ता घूमने के आया, बट कश्मीर बहुत अच्छा लगा। कश्मीर का जो भाईचारा है वो आपको कैसा लगा? कौन सा भाईचारा यहाँ के लोगों का? बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत समझदार है, बहुत हेल्पफुल है। हाँ, मेरा नाम अनिका है और मैं बांग्लादेश से हूँ। अच्छा, बता रहे। हाँ, यहाँ पे आई हूँ घूमने के लिए, तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की वेदर इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ की जो बिरयानी है ना वो बहुत ही अच्छी है। मैं यहाँ पे आई हूँ, तीन दिन हुई है, तीनों दिन मैं सिर्फ बिरयानी के ही ऊपर हूँ। और क्या बताऊँ, यहाँ के जो दृश्य है वो बहुत ही अच्छी है, तो मैं सबको कहूँगी कि यहाँ पे प्लीज़ आओ और देख के जाओ, ये बेस्ट एक्सपीरियंस है हमारा। जो आपके वहाँ के लोग देख रहे हैं इस टाइम ट्री पर, क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? मैं कहूँगी कि मैसेज दूँगी कि जो लोग अगवाए फैलते हैं ना कि यहाँ पे बहुत ही दंगे होती है, ये होती है, सच है, लेकिन अभी ठीक है, अभी आ सकते हो घूमने के लिए, अभी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, तो यही। हाँ, डरना मत, आओ घूम के जाओ, कश्मीरी लोग बहुत ही अच्छे हैं। आई लव कश्मीर। टिजो या कैला से। और सोनमार्ग अच्छा था, गुलमर्ग गोंडाला राइड उधर, वी हैड अ वेरी बैड टाइम। ओके, इशू इज देयर द लोकल्स हु इज टेकिंग केयर ऑफ द पीपल इनसाइड, नॉट थ्रू द क्यू। We had a big tough time over there. It was a queue. Very difficult to standing in the queue and no management to take care of it. It was very bad over there. The situation, gondola ride was absolutely good one, but the management who is handling over there was absolutely a failure. Your message? Yeah, that need to be, the local people who are taking care as a guide, they need to be moved out from there.
some kind of security team need to be deployed over there to take care. That's a major thing. Sade, और मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ और कश्मीर आने का एक ख्वाब था पहले से ही, क्योंकि कश्मीर को एक भारत का मतलब इंडिया का एक स्वर्ग भी बोला गया है और इधर के नेचर के बारे में तो हमेशा हर इंडियन पर्सन के दिल में रहा है कि मरने से पहले तो इधर के वादियों में घूमना है। तो हमने पूरा एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद आई कश्मीर के, स्पेशली कश्मीरी पीपल्स, कश्मीरी स्पाइसेस, उनके खाने के तरीके, उनके रहने के तरीके, उनका कल्चर, इट्स ऑसम। और ऐसा तो कहीं मतलब मिलेगा ही नहीं, उनका ऑथेंटिक जो है, उनका खुद का जो है उन्होंने अभी तक बचा के रखा है और हमें मज़ा आया। हम महाराष्ट्र से आए हैं, मैं अभी सेकेंड बार आई हूँ, पहले बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ आके गई हूँ, अभी मैं हस्बैंड और मेरे फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। और कश्मीर बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब है, मतलब ग्रीनरी है, आइस है और बहुत नेचर भी बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, खाना भी मतलब पहली बार जब आई थी तब खाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी पर इस बार खाना भी बहुत अच्छा मिला। थैंक यू। कौन से? अच्छा, जो फ्रेंड्स है वो आ सकते हैं, इसको अपन मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं और ये अपना कश्मीर, तो मतलब अच्छा ही है। और मैं मुंबई से आया हूँ और जन्नत कश्मीर जिस चीज़ को कहते हैं वो आज फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है। कश्मीर ये मेरा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, सुना तो बहुत था पर आज हमने देख भी लिया कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर के लोगों का दिल, कश्मीर के लोगों का मन, कश्मीर के पहाड़, कश्मीर के गार्डन, कश्मीर की बर्फ़, सभी चीज़ें हमें बहुत पसंद आई। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कश्मीर ज़रूर उन्हें लाइफ में आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर से सुंदर जगह पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। यही मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही मज़ा आया, यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं और सभी चीज़ों को हम करें बहुत अच्छा लगा। हम लोग का 10 डेज़ का टूर था, हम लोग ने माता वैष्णो देवी जी के दर्शन किए, रिवर राफ्टिंग की, उसके बाद में शिवखुरी टेम्पल्स वगैरह वो किया, फिर गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, अभी हमारा पहलगाम बाकी है, फिर श्रीनगर लोकल्स वगैरह किया और दूध पथरी बाकी है, काफ़ी चीज़ें हमने की, सभी चीज़ों में बहुत मज़ा आया। मैं जो मेरे भाई है जो अदर स्टेट में है, जो मेरे स्टेट में है, जो कोई भी आना चाहते हैं आप बिल्कुल आइए, कश्मीर बहुत ही सेफ, बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपको आना, एंजॉय करना चाहिए और हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कश्मीर ही एक हिंदुस्तान की जन्नत है। थैंक यू।